वेलकम बैक टू चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ आज आप लोगों को लेकर आ गई हूँ बहुत पुराने टाइम में जब बुलबुल -बुल सिर्फ थी पंद्रह दिनों की हाँ जी पंद्रह दिन की मेरी गोदी में है ये तो आज मैं आप लोगों को बुलबुल -बुल का नामकरण की कुछ थोड़ी थोड़ी सी जो झलकियाँ हैं वो दिखाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों से आप लोगों को मिलवाऊँगी मैं अपनी पूरी फैमिली से अपने ससुराल वालों से और अपने कुछ मायके वालों से भी कुछ क्या मायके वाले में तो सारे ये मम्मी नहीं है और ससुराल में भी सब लोग ही है ऑलमोस्ट सब लोग हैं तो जैसे कि मैंने बताया था अपने लास्ट ब्लॉग में मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ मेंटली मेरे पे थोड़ा सा मैं जो है परेशान हूँ अभी क्योंकि पूजा का भी काम हो रखा है बुलबुल -बुल के एग्जाम भी चल रहे तो कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया तो फिर मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को कुछ अपनी पुरानी यादें दिखाई जाए हालांकि मुझे पता है सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे ये सब देखने में पर हाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं जो जानना चाहते हैं मेरे बारे में मेरी फैमिली के बारे में तो उन लोगों को अच्छा लगेगा तो ये वीडियो जो छोटा सा वीडियो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा हाँ जी तो यहाँ पर हो रहा है नामकरण संस्कार वैसे हमारे यहाँ पर जो है लड़कियों का नामकरण जो है इस तरह से पूजा हवन वगैरह करवा के नहीं करते हैं बस सिर्फ लड़कों का ही होता है हवन लड़कियों का नहीं होता है पर मेरे ससुराल में मेरा इस तरह से करवाया गया था मतलब ये नई रीत शुरू हुई थी कि नहीं लड़की का भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से लड़कों का होता है तो छोटा सा फंक्शन भी हुआ था और इधर ये मेरा भाई है और जो ऑरेंज कलर की साड़ी में जो पल्लू ठीक कर रही है वो मेरी बड़ी सिस्टर है तो हम ये तीन भाई बहन है हाँ मिल लीजिए मेरे भाई बहनों से भी ये मेरा भाई है जिसने मुझे पीला उड़ाया है हाँ तो भाई जो है पीला उड़ाता है नामकरण पे इस तरह से होता है तो थोड़ी थोड़ी रस्में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरा वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा तो वो थे मेरे दीदी और मेरे भाई हम तीन भाई बहन हैं और ये है मेरी ननद तो ये कर रही है मेरा तिलक तो मेरी एक ही ननद है तो ननद से भी मिल लीजिए काफ़ी सारे लोगों ने पहले मुझे कहा था ननद से मिलवाइए ननद से मिलवाइए तो शायद ऑन कैमरा तो मैं पता नहीं कब मिलवा पाऊंगी हाँ इस तरह से मैं आप लोगों को मिलवा सकती हूँ दिखा सकती हूँ हाँ जी तो ये है मेरी ननद उन्होंने मेरा तिलक किया है तो इसी तरह से छोटा सा ये एक फंक्शन हुआ था जब बुलबुल -बुल हुई थी और हाँ बाकी भी आप लोगों को मैं मिलवाऊंगी सब लोगों से तो नामकरण के बाद इस तरह से सूर्य देवता की पूजा होती है कहाँ कहाँ पे इस तरह से होता है मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरी जिठानी जी हैं जिन लोग जिनसे आप मिल ही चुके हैं बंदोरे वाले जब गनगोर का बंदोरा मैंने निकाला था तब आप इनसे मिल चुके हैं तो ये है मेरी जिठानी जी हाँ जी और ये जो मेरा लहंगा ठीक कर रही है वो है मेरी देवरानी आगे वीडियो में अच्छे से भी मिलवाऊंगी आप लोगों को अभी तो थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखा रही हूँ आगे सब लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी दिखा मिलवाऊँगी तो क्या सिर्फ दिखाऊँगी फिर कभी आप अच्छा अच्छा सोचिए मेरे बारे में कि आने वाले दिनों में मैं जो है लेकर आ सकूँ सब लोगों को अपने ब्लॉग में और ऑन कैमरा आप लोगों को मिलवा सकूँ सब लोगों से और यहाँ पर ये जो भी मतलब बुलबुल बुल के जो खिलौने हैं ड्रेसेस हैं, जो मायके से आते हैं सारा सामान जब नामकरण होता है बच्चे का सब जगह ही होते होंगे ये रीति रिवाज़ तो, तो इस तरह से हमारे यहाँ भी रीति रिवाज होते हैं ये सारे खिलौने ये सब कुछ जो है वो लेकर आई है मेरी मम्मी मम्मी नहीं आए थे नामकरण पे, सिर्फ पापा आए थे पापा दीदी भाई और दीदी के बच्चे बस यही लोग आए थे और मिलवाऊंगी आगे आप लोगों को सब लोगों से अभी ये कुछ देख लीजिए बुलबुल के खिलौने और बुलबुल अभी मेरे साथ ये वीडियो देख भी रही थी तो वो कह रही थी काश ये खिलौने अब मेरे पास आ जाए सारे मुझे मिल जाए तो हाँ जी तो अभी शुरू हो गया है फोटो सेशन तो चलिए मिलवाती हूँ आप सब लोगों को मेरे पूरे परिवार से हाँ जी <laughs> तो यहाँ पर हमने तो आप जानते ही हैं मैं और दीदी जी तो ये हम दोनों हैं गोदी में बुलबुल बुल है और दे को पकड़ना नहीं आ रहा है अच्छे से किस तरह से पकड़ रहे हैं इसको पूरा जो है खोल के रख दिया है दर्जी ने और कितनी छोटी सी थी मासूम सी प्यारी सी बच्चे खैर ऐसे ही होते हैं सब छोटे बच्चे ना जो सबकी एक शक्ल एक जैसी होती है और ये हूँ मैं बहुत मोटी थी मैं उस टाइम तो, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी वो तो होता भी है डिलीवरी के बाद जो है आ, मतलब मेरा वेट बढ़ा ही था पहले भी दोनों डिलीवरी के टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये है मेरे पापा इनसे भी आप पहले मिल चुके हैं मम्मी नहीं आई थी सिर्फ पापा ही आए थे तो पापा इधर मुझे कुछ छेड़ रहे हैं मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं और पापा यहाँ मुझे कह रहे थे ये बिल्कुल चीनी लग रही है चीनी चाइनीज़ नहीं होते बच्चे क्योंकि बुलबुल की पलके भी नहीं थी बुलबुल बुल के आईब्रोज भी बहुत कम थी तो ये बिल्कुल चाइनीज़ बच्चा लग रही थी तो पापा मुझे छेड़ रहे थे बोले चीनी हुई है ये तो पापा हालाँकि बुलबुल को कहते भी चीनी है उन्होंने नाम रख रखा है इसका और ये है मेरी बड़ी दीदी तो हाँ ये मेरी सिस्टर है बड़ी और ये है दोनों इनके बच्चे तो दीदी भी आए थे जब बुलबुल का नामकरण हुआ था तो मिल लीजिए मेरी बहन से भी बाकी कभी जाऊंगी माइक के मिलना होगा दीदी से तो मिलवाऊंगी आप लोगों को ये है मेरे ताई जी मतलब मेरी तायर सासू जी हाँ ताई सासू जी ठीक है जी और ये है मेरा भाई जो लगता नहीं है मेरा भाई ये बिल्कुल सही क्योंकि ये बहुत पतला सा है कमज़ोर सा है मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ मैं और दीदी हेल्दी थे और मेरा भाई हमेशा से ही पतला था अभी तो कुछ वो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है पहले वो बहुत पतला था और ये है मेरे देवर और देवरानी ये मेरी देवरानी है ये मेरे देवर है तो चलिए देवर जी से भी मिल लीजिए सब लोग पूछते हैं कि देव जी एक ही भाई है क्या नहीं जी ये दो भाई हैं देव जी और ये इनके छोटे भाई तो देव जी से छोटे हैं ये और ये मेरी देवरानी है जो कि जयपुर में रहते हैं और ये है गुड्डू <laughs> गुड्डू से भी मिल लीजिए गुड्डू भी कितनी छोटी सी है और ये मेरी जो गोदी में बैठी है ये है मेरी ननद की गुड़िया ये भी ब्लॉग में आ चुकी है बहुत बार अगर आप मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग देखोगे ना तो उस व्लॉग में आपको दिखेगी और यहाँ पर पापा जो है सबको तिलक कर रहे हैं दीदी तिलक कर रही है क्योंकि दीदी बड़ी है तो दीदी भी काफ़ी कुछ लेकर आई थी सबके लिए मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी दीजी के लिए कपड़े लेकर आई थी तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे रीति रिवाज़ होते हैं मतलब बड़े जो होते हैं वो छोटों को गिफ्ट देते हैं और इधर पापा सबका तिलक कर रहे हैं तो ये है मेरे देवर जी ये मेरे पापा तो आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मिलवा दिया अपने ससुराल वालों से हाँ ये है मेरे नंदोई जी नंदोई जी हमारे यहाँ पे कहते हैं ननद के हस्बैंड हाँ जी तो ये है मेरे नंदोई जी और ये है मेरे ससुर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है सिर्फ यादें ही हैं और बुलबुल बुल बहुत मिस करती है अभी नवरात्र चल रहे हैं तो अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है क्योंकि पापा जी जो है बहुत जो ये मैं नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं ये सब हमने अपने पापा जी से ही सीखी है वो बहुत पूजा पाठ करते थे और ये है मम्मी जी और पापा जी और उनकी गोदी में है ये बुलबुल बुल। जो अब इतनी बड़ी हो गई है जिसे आप आप देखते हैं खूब सारा बोलते हुए जो अब चुप्पी नहीं होती है गुड्डू तो हमेशा कहती है जब भी ये वीडियो देखती है गुड्डू हमेशा कहती है मम्मी ये जब इतनी सी थी ना तभी अच्छी लगती थी जब कितनी प्यारी थी ये चुप रहती थी और अभी ये चुपी नहीं होती है हमेशा मेरे से लड़ाई करती है तो ये है मैं और मेरी मम्मी जी हाँ मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ तो कोई भी मुझे मोटी मोटी मत बोलना ठीक है और हाँ ये है मेरे ननद नंदोई और उनकी गुड़िया अभी मेरे ननद के एक बेटा भी है जिससे आप लोग ब्लॉग में मिल चुके हैं और ये है मेरा प्यारा सा बच्चा है कितनी क्यूट से स्माइल दे रही है तो ये है छोटा सा वीडियो ये है मेरी ननद और ये है मेरी देवरानी तो ये है मेरा पूरा परिवार वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर तो पहली बार हमारे घर में इस तरह से बेटी होने पर भी छोटा सा फंक्शन हुआ था और सब लोग काफ़ी खुश हुए थे जब बुलबुल बुल हुई थी मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया है एक बार आ, कि हमारे घर में कोई ऐसे नहीं था कि बेटी हो गई या दूसरी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था सब लोग काफ़ी खुश थे और ये है सारे हमारे घर के बच्चे जो अभी तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं जो अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं और हाँ जी तो ये सब है मेरे जेठूती जेठूतियाँ यानी मेरे जेठ जी के बच्चे हैं सारे और कभी मिलवाऊंगी अभी तो ये पहचान में नहीं आते सब लोग बहुत बड़े बड़े हो गए हालांकि एक दो व्लॉग जो स्टार्टिंग के व्लॉग है ना उसमें है ये सब लोग अभी तो खैर ना कि कोई ऐसा फंक्शन आ नहीं रहा कि जिसमें सब लोग इकट्ठे हो जाए या फिर मैं कोई व्लॉग में इनको ले लूं क्योंकि वही होता है जब कोई फंक्शन होता है ना तभी सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं ऐसे इकट्ठे होना नहीं होता है और ये है पूरा परिवार तो नहीं है इसमें भी काफ़ी लोग मिसिंग है पर मेरी ननद मेरी देवरानी मेरे देवर जी मेरी जिठानी मेरी सासू माँ मैं मेरी ताई जी मेरी दीदी मेरा भाई और ये हमारे बच्चे हाँ जी तो ये था छोटा सा प्यारा सा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा चलिए फिर मिलते हैं